अस्सलाम गाइस, पहला पार्ट हमने मैंने बना दिया है। तो जिसको मेरे चैनल पर सीखना है, मतलब जिसको सीखना है कोई वर्डप्रेस वगैरह, वेबसाइट वगैरह, या आईटी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी वगैरह, जो भी एआई चैट जीपीटी वगैरह के लिहाज से, सब 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 पूरे इस फील्ड के लिहाज से, आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो मेरे पास सीख सकते हैं आप। और है ना, मैंने पार्ट वन बना चुका हूँ, आपके जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जल्दी से पूरी वीडियो देख के फिर शेयर करा करें। और मेरे को पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें जल्दी, आके लाइक करें जल्दी से। सब लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जाके सब्सक्राइब करें। और देखें, बस डाउनलोड तो ये हो गया था जैम, लेकिन इंस्टॉल में मसला आ गया, तो इसको देखते हैं चलें। तो मैं ना इसको बंद कर देता हूँ, काम नहीं है। फ्री डाउनलोड मैनेजर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त डाउनलोड मैनेजर है, आपको यही बताता चलूँ मैं। ये बहुत ज़बरदस्त डाउनलोड मैनेजर है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन वगैरह आपको नज़र भी आ रहे होंगे। आपको एक खिचड़ी लग रही है बिल्कुल, मतलब एक है ना इन कुछ भी नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा इसका हाथ बिठा लेंगे ना अपना, तो फिर सही हो जाएगा। देखें बस ये ना, ये देखें डाउन, ये कुछ भी नहीं, सारे जो मैंने पहले मैंने डाउनलोड इंस्टॉल करी हुए वो हैं बस। ये जो मैं जिस पर माउस करा रहा हूँ मैंने, ये जो है ये भी डाउनलोड हो रहा है मेरा बस, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। मैंने इसको अपर प्रायोरिटी भी दे दी है, थोड़ा तेज़ काम करे ताकि डाउनलोडिंग थोड़ी तेज़ करे। मैं यहाँ पे आया था, इस मैंने ना ऊपर वाला आपको शायद नज़र नहीं आएगा, अभी वो थोड़ा सा हाइड हो गया है। ऊपर वाला कोई अपर एरो था, मैंने उस पर क्लिक कराया, वो अपर प्रायोरिटी हो गई, थोड़ा तेज़ करने लग गया सेकंड, थोड़ा मिनट से सेकंड थोड़ा तेज़ होगा लिखा हुआ। देखो आप देखें यहाँ पे ना प्रायोरिटी लिखा हुआ रहा है, देखें मैं माउस उठा रहा हूँ तो हिल रहा है, ये प्रायोरिटी लिखा हुआ है ना देखें। और इसका डाउन एरो है और ये अपर एरो है, तो ये अपर एरो मैंने क्लिक कर दिया तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा वो, इसलिए मतलब अपर प्रायोरिटी लगा रही मैंने, ताकि ये प्रायोरिटी पहले इसकी ले इसको डाउनलोड करने की। चलें भाई तैयार हो जाएं। तो आप लोग ने रेस्ट कर लिया होगा थोड़ा सा, अब है ना तैयार हो जाएं। रैम डाउनलोड हो चुका है हमारे पास इंस्टॉलर का डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं इसको इंस्टॉल करने। देखें भाई ये गेम के शुरुआत हो गई है और इंस्टॉल होने की, तो वो कह रहा है चलो भाई मैं आ गया हूँ, अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। तो है ना ये क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट बिकॉज एन, मतलब इम्पोर्टेंट बात है कह रहा है, बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूज़र अकाउंट कंट्रोल यूएसबी वगैरह वगैरह ऑन योर सिस्टम, तो कह रहे आपके एक्टिवेटेड हुआ यूज़र अकाउंट कंट्रोल जो है यूएसबी आपके सिस्टम में कुछ फंक्शंस जैम के जो है कुछ फंक्शंस आर पॉसिबल रिस्ट्रिक्टेड करता है कुछ जैम के फंक्शंस को। और विद यूएसी प्लीज अवॉइड टू इंस्टॉल जैम टू सी लोकल डिस्क प्रोग्राम फाइल मिसिंग राइट परमिशंस और डीएक्टिवेट यूएसी विद एमएस कॉन्फिग आफ्टर दिस सेटअप, ठीक है समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो बता दूँ, ये सीधी सी बात है कि ना आप कह रहे आप यूएससी वगैरह की वजह से यह मसला आता है ना, यूएससी मसला करता है एक्टिवेटेड जो हुआ है उनके, और ना आप जो है कुछ फंक्शन जो है एग्जाम के जो कि पॉसिबली रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, मतलब जो सी में कुछ चीज़ें हैं प्रोग्राम फाइल में, तो एक बहुत ख़ास चीज़ है, बड़ी चीज़ है, मैं कोई ना कोई मसला आ जाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है फिर ना, इसलिए कह रहे ध्यान रखें बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अरे सी प्रोग्राम फाइल्स में नहीं डालें, तो ये आप समझ गए होंगे रैम को इंस्टॉल नहीं करें सी प्रोग्राम फाइल में। मैंने कहा ओके भाई हम नहीं डालेंगे, तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये पता है ये सेलेक्ट कंपोनेंट्स देखिए ऊपर आ रहा होगा, सेलेक्ट कंपोनेंट्स जो आप नहीं चला रहे जो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप है ना वो सब बंद कर दो। जैसे मैं ना इसको आपको बताना चाहूँ ना, मैं जैसे मेरे को टॉम कैट पर्ल वगैरह मेरे को ज़रूरत नहीं, पी एच पी में एडमिन की ज़रूरत है,
आजकल की है फाल ये सब मतलब ज्यादातर अक्सर नहीं होती और मैं फिर भी लगा देता तो चलो ओके। मुझे एक मसला आता है कि बोलते हैं आपके फोल्डर में जगह नहीं है, क्या करूँगा भाई? ये ना मैं सी में से हटाना चाह रहा हूँ तो है ना, और प्रोग्राम फाइल में तो हम डालेंगे नहीं, हम दूसरी डी वगैरह डी एफ वगैरह में जाएंगे ठीक है, और ताकि बाद में मसले ही ना करे। और मैं चाहूँगा भाई मेरी जो जगह सही है यहाँ पे और है ना। अच्छा अब ये बोलेगा, अब ये बोल रहा है कि ना वार्निंग दे रहा है कि द सेलेक्ट फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर, है सेलेक्ट फोल्ड दूसरा फोल्डर को ये ना सेलेक्ट करो। और अच्छा ये फोल्डर तो है उसको पता है हमारी फोल्डर, लेकिन असल में इसके लिए अलग फोल्डर बनाना पड़ता है, और मैं वापस कैंसिल करूँगा क्योंकि ना मैं जब फोल्डर बनाऊँगा ना तो मैं इसके लिए फोल्डर बना रहा हूँ ठीक है, मैं फोल्डर बनाऊँगा ना तो वो आए फिर नाम पूरे सही तरीके से मैं जैम वैम लिखूँगा, फिर मैं जाऊँगा उसके अंदर ये ब्राउज में ठीक है, मैं बंद करके इसको कैंसिल करके फिर जाऊँगा ये फिर फोल्डर बनाऊँगा सही तरीके से नाम वाम से। अच्छा क्या नाम है भाई? जैम। ठीक है मैम, बड़ा लिख लें आप छोटा लिख लें जैसे भी लिख लें जैसे चाहें जैसे, ठीक है मैंने नाम लिख लिया। अब देखें क्योंकि ना मैं अगर इसको कैंसिल नहीं करता ना, देखिए मैंने फोल्डर वहाँ बना लिया एक मतलब बस खड़ा कर दिया कि फोल्डर बस बना लिया, मैं सोच लिया बस कहना इधर जाएगा बस देख लें। अच्छा मैं ये बताया था आपको कि मैं ना अगर इसको कैंसिल या वापस पीछे नहीं आता ना वो ये फोल्डर का बताता नहीं, फोल्डर का नाम वाम नहीं दिखाता ये एक भाई कोई फोल्डर बना जैम के नाम से नए फोल्डर से ठीक है। अब बन गया और मैं इसको जाएंगे नेक्स्ट करेंगे, देखें आगे बढ़ गया आराम से आगे बढ़ गया नेम कंट्रोल, अब देखेंगे अब लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज भाई आप कहाँ रहते हैं भाई, मैं तो भाई हम लोग ज़्यादा ही इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं तो भाई चाहिए भाई डिफरेंट लैंग्वेज ठीक है। अच्छा भाई बोल रहा है सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग जैम्प ऑन योर कंप्यूटर, इंस्टॉलिंग होने जा रहा है भाई, रेडी है भैया आपके इंस्टॉल होने में अनपैकिंग फास्ट होने में, अभी इंस्टॉल हो रहा है आराम से बैठे हैं। देखिए अभी हमने क्या करा, शुरू से हमने जैम के लिए कोशिश करी, कोशिश क्या करी जैम के लिए कि भाई तुमने पहले जैम ज़रूरी है, उससे पहले कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, यही सारा यही पूरा ना वेबसाइट का बाप है, और उसके बाद है ना हमें वर्डप्रेस पे काम करना है तो है ना फिर वर्डप्रेस उसका मतलब है ना इसका मतलब छोटा भाई है ये जो भी समझ लें आप ठीक है, ओके वो इसके बाद ही आएगा, इसकी प्रायोरिटी पहले है उसकी प्रायोरिटी बाद में है और है ना। तो अब ये हमने क्या करा, हमने सिर्फ जैम को डाउनलोड कर लिया ब्राउज़र पे करते, बाकी हमने ब्राउज़र बंद कर दिया, अब ये इंस्टॉल होगा जैम मैम, फिर है ना हम जाएंगे वापस ब्राउज़र पे ठीक है। अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे जब हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना होगा, तो वो इसलिए करना होगा क्योंकि हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे, और काम वो ऐसा होगा कि ना वो कनेक्ट होगा फोल्डर से और आपका डेटा फोल्डर में होगा, डेटा बेस जो है कल हो सकेगा मतलब जैम के सर्वर पे रहेगा क्योंकि PHP में एडमिन होता है, ये इसके बारे में मैं बताने जाऊँगा आपको PHP में एडमिन क्या होता है, मैं डेटाबेस होता है असल में, डेटाबेस क्या होता है डेटाबेस कनेक्ट होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ना तकरीबन बड़ी बड़ी अच्छी वेबसाइट जो होती है बनी हुई वो कनेक्शन कहीं ना कहीं कनेक्शन तो करना पड़ता है ना चीज़ों का मतलब क्लिक करके कहाँ जाए तो फिर से कहाँ जाए फिर क्या चीज़ खुले इससे एक बटन क्लिक करने से क्या चीज़ खुले और जिसका आप ना कहेंगे भाई तो जादू हो गया भाई या तो मैजिक हो गया। अच्छा ये ना इंस्टॉल हो गया,